सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। बंधुओं, हमारा जीवन ईश्वर की बहुत बड़ी देन हमें है। हम इस जीवन का मूल्य नहीं समझते, नहीं जानते और इस जीवन को बहुत से अनावश्यक, अनुचित और हानिकारक कार्यों को करके व्यतीत करते रहते हैं, जिसका बहुत भारी नुकसान या हानि हमें अपने भावी समय में उठानी पड़ती है और पड़ेगी। तो बंधु, हम चाहते हैं कि आज का जो समय है, थोड़ी सी ज्ञान चर्चा करके जीवन को किस तरह से उपयोगी और सारगर्भित या महत्ता से युक्त बनाया जाए, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। बंधुओं, परमात्मा ने सृष्टि को बनाया और बनाने के बाद मनुष्य आदि नाना प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति आज से करीब करीब 2 अरब वर्ष पूर्व, वास्तविक जो यथार्थ गणना है वह तो 1,96,08,53,113 वर्ष है। तो इतने वर्ष पूर्व मनुष्यों को उत्पन्न किया और सारे उनके सुख साधनों को इस सृष्टि में एकत्रित किया, उत्पन्न किया और उसको संरक्षित किया। वह सब पिछले 1,96,00,00,000 वर्षों से हमें और हमारे पूर्वजों को और अन्य सभी प्राणियों को प्राप्त होते आ रहे हैं। मनुष्य का जीवन किस प्रकार से उपयोगी हो, इसके लिए हमारे चिंतकों ने, ऋषियों, महर्षियों और पूर्वजों ने पर्याप्त विचार किया और यह देखा कि परमात्मा ने हमें बनाया तो उसका जो यह ऋण है उसको हम कैसे पूरा करें। तो बंधुओं, परमात्मा ने स्वयं ही इसकी भी पूर्ति की और सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान देकर वेदों के माध्यम से सारी मानव जाति को प्रलय काल तक जो जो लोग उत्पन्न होंगे उनको यह अवगत करा दिया कि तुम्हें अगर निःश्रेयस की प्राप्ति करनी है, अभ्युदय की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें क्या करना है, सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना है, वेदों की शिक्षाओं को जानना है, समझना है, पढ़ना है और उसका प्रचार करना है और उसको अपने जीवन में आचरण लाना है। बंधुओं, महर्षि दयानंद जी महाराज ने कृपा करके प्राचीन साहित्य का, शास्त्रों का अवलोकन करके, अध्ययन करके मनुष्य के 5 दैनिक कर्तव्य निर्धारित किए हैं, जिनमें पहला है संध्या, दूसरा है अग्निहोत्र या देव यज्ञ, तीसरा है मात पितृ यज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और पांचवा है बलिवैश्व देव यज्ञ। तो बंधुओं, पहला संध्या जो है वो ईश्वर के प्रति है। ईश्वर ने जो कृपा की और हमारे लिए ये सारा ब्रह्मांड बनाया और इसको धारण किया है, इसको चला रहा है, हमारे कर्मों के फल हमें देता है, हमारे अच्छे कार्यों को पुरस्कृत करता है और हमें सुख की प्राप्ति कराता है। तो इसलिए प्रत्येक जीव, जीवात्मा, जीवधारी, प्राणधारी, मनुष्य व पशु पक्षी सब उसके अत्यंत ऋणी हैं। पशु पक्षियों में तो स्वाभाविक ज्ञान है जिसके आधार पर वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं और वो पाप के भागी किसी प्रकार के नहीं होते, क्योंकि उनको
स्वतंत्रता नहीं है, वह ज्ञान उनको नहीं दिया गया, और वो अपने उस ज्ञान से जो कि परमात्मा ने दिया है अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, परंतु मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, और ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधन, ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां दिए हैं, जिससे वह अपने कर्तव्य का निर्धारण कर सकता है। और जो कर्तव्य शास्त्रोक्त हैं उनको तो करता ही है, उनसे अधिक भी कर सकता है, और जो आलसी और प्रमादी लोग हैं वह उनका निर्वाह नहीं करते, जिससे वह दुख के भागी बन जाते हैं। तो बंधुओं, संध्या जो पहला कर्तव्य ऋषियों ने निर्धारित किया था, जिसका समर्थन और पोषण महर्षि दयानंद जी ने भी अपने जीवन काल में किया है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। संध्या में क्या है कि हम किसी भी आसन में बैठ जाएं जिसमें कि हम सुख पूर्वक काफी देर तक बैठ सकते हैं, और उसमें बैठकर हम इस ब्रह्मांड के बारे में और इसमें ब्रह्मांड में जो जो सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीवात्मा आदि, और प्रकृति की, कारण प्रकृति, कार्य प्रकृति, सब पर विचार करें, तो हमें स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा, लोगों के उपदेश सुनकर, सत्संग करके ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और इस सृष्टि के रहस्यों का भी ज्ञान हो जाता है। तो यह चिंतन मनन करके ईश्वर में ध्यान करना, उसका स्तुति गान करना, प्रार्थना करना और उपासना करना, अर्थात उसमें स्थित रहना, उसको स्मरण करना, यही हमारा पहला कर्तव्य है, जिसको संध्या का नाम दिया गया है। उन मंत्रों का पाठ करना, उनके अर्थों पर विचार करना, संध्या के मंत्रों का, यह संध्या कहलाता है। संध्या करने से क्या लाभ होता है कि ईश्वर से मित्रता होती है, उससे निकटता बढ़ती है, हमारे गुण कर्म स्वभाव जो कि कई बार ईश्वर के संबंध टूटे रहने से, उसकी ओर ध्यान ना रहने से, चिंतन मनन स्वाध्याय या सत्संग आदि ना होने से हम भूले रहते हैं, उनका ध्यान आ जाता है, और फिर हम अपने दुर्गुणों को, बुराइयों को, जो अकर्तव्य वाले कार्य कर रहे हैं और कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी स्मृति होती है। और उस स्मृति के होने से बंधुओं क्या होता है कि हम अब उन कार्यों को स्मरण करके, उनको जो छोड़ रखा है, जो उसमें अनियमितता आ गई है, उसको दूर करते हैं। तो संध्या करने से ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति, जो समाज के प्रति और देश के प्रति कर्तव्य हैं, उनका बोध हो जाता है और हम करने लगते हैं, इससे यह लाभ होता है। महर्षि दयानंद ने लिखा है, ईश्वर की उपासना से क्या लाभ है कि जिस प्रकार से शीत को प्राप्त मनुष्य अग्नि के पास जाने पर उसका शीत निवृत्त हो जाता है, इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त होकर संध्या उपासना करने से मनुष्य के जितने दुर्गुण, दुर्व्यसन और जो दुख हैं वह दूर हो जाते हैं, और ईश्वर के सानिध्य से, ईश्वर में जो प्रेम और मैत्री स्थापित होती है, उससे ईश्वर के गुणों का जो प्रवेश है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप उसके भी गुण कर्म स्वभाव होने आरंभ हो जाते हैं, उसमें वृद्धि होती है, और आत्मा का सामर्थ्य इतना बढ़ता है कि पहाड़ के समान दुख प्राप्त होने पर भी वह आत्मा घबराता नहीं है। या क्या यह छोटी बात है? तो यह महर्षि दयानंद जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, जिसका चिंतन मनन करने पर और विवेक के द्वारा उस पर ध्यान देने पर यह सिद्धांत शत प्रतिशत सत्य पाया जाता है, और आत्मा को वास्तव में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को संध्या करनी चाहिए, इसी प्रकार देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र करना चाहिए, जिससे वायुमंडल के विकार दूर हो, जो प्रदूषण है वह दूर हो, और उसके स्थान पर सुगंधित वातावरण हो, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, रोग सारे दूर हो जाएं, और जो स्वस्थ है उनको किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, पारिवारिक सुख शांति हो, और जो प्रारब्ध बनता है, जो हमारे कर्मों की पूंजी यज्ञ करने से बनती है, वह कालांतर में हमारे जो दुख हैं, दुर्घटनाएं हैं, उनसे हमें बचाती है। तो दैनिक यज्ञ करना चाहिए। इसी प्रकार से प्रत्येक संतान पर माता पिता का ऋण है, उसको हर मनुष्य को चुकाना चाहिए, और उसको चुकाने के लिए बहुत
बहुत सरल तरीका है, माता पिता के सेवा सत्कार करना, उनको भोजन कराना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अगर रोग होने पर उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उपचार कराना और उनकी आत्मा को प्रसन्न रखना, यह पितृयज्ञ है। माता पिता और बड़े लोग जितने दादी दादा परदादी परदादा भाई बहन बड़े जितने भी हैं उन सब की इस प्रकार से सेवा करने से पितृयज्ञ का पालन हो जाता है। इसी प्रकार से अतिथि यज्ञ है। जब भी कोई साधु संन्यासी या बहुत बड़ा विद्वान घर में आता है या हमारा उनसे मिलना होता है तो हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उनके जो कार्य हैं उसमें जो सहयोग कर सकते हैं उनको सहयोग करें। उनको वस्त्रों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो जो भी हमारी सामर्थ्य है उनके अनुसार उनको वह साधन प्रदान करें। अगर वो घर में आए तो उनको भोजन कराएं, विश्राम कराएं, शयन कराएं, तो यह उनकी सेवा करना जो है अतिथि यज्ञ है। इसी प्रकार से बलि वैष्णोदेव यज्ञ है, जिसमें पशु पक्षियों कृमियों आदि का जो है सत्कार करना होता है, उनको चारा भोजन आदि कराना होता है और उनकी जो भी सेवा की जा सकती है, सत्कार किया जा सकता है, उनको पानी पिलाना, चारा खिलाना, यह सब करना चाहिए, जिससे कि यदि कभी हम पशु योनि में चले जाएं कर्मानुसार तो इस व्यवस्था के कारण, इस परंपरा के कारण हमें भी वहाँ भोजन आदि मिल जाए और भोजन आदि प्राप्त ना होने से पशु पक्षियों आदि तक को जो क्लेश होता है वह क्लेश ना हो, उनको हम ना होने दें और आने वाले समय में परंपरा चलती रहे तो किसी पशु पक्षी को क्लेश ना हो, तो ऐसी व्यवस्था स्थापित होती है। इसलिए बलि वैष्णोदेव यज्ञ करना प्रत्येक गृहस्थी का, स्त्री पुरुष का कर्तव्य है, सभी को करना चाहिए। तो बंधुओं, जीवन हमारा परमात्मा की देन है, परमात्मा की उपासना करके, उसका गुणगान करके, उसकी स्तुति करके हमें उस ऋण से उऋण होना है, तो यह जीवन का महत्व है। आइए इससे पर विचार करेंगे और इसको अपनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़े और मृत्यु पर हमें दुख ना हो और हमारी जो मृत्यु के बाद की जो पुनर्जन्म की यात्रा है वह सुखद और शांतिकर हो। इसी इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर को स्मरण करके ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ओम सम।